वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियोस को यहाँ पर ऑडियो की तरह कैसे प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने मोबाइल स्क्रीन लॉक करके इसे कैसे चला सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमें कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखनी हो जाती है या फिर कोई भी हम सॉन्ग सुनते रहते हैं, हमें पसंद आ जाता है या फिर हम कोई काम करने लगते हैं, हम उसे चाहते हैं स्क्रीन लॉक कर दें जिससे हमारी बैटरी कम खर्च हो। इसके अलावा यहाँ पर उसे हम लॉक स्क्रीन करके अपने जेब में रख लें और सॉन्ग को सुनते रहें। अगर क्या होता है, जब आप मोबाइल स्क्रीन खुली रहती है और आप प्ले करके वीडियोस रख देते हो, तो यहाँ पर जब आपके यहाँ पर जी पॉकेट में रखी रहती है मोबाइल, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो दूसरी वीडियो प्ले हो जाती है। लेकिन अगर मोबाइल स्क्रीन लॉक रहेगी तो यहाँ पर दूसरी वीडियो नहीं प्ले हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर काम करते रहें, इसके अलावा यूट्यूब सॉन्ग भी यूट्यूब कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से ना बल्कि यूट्यूब पर यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन सॉन्ग प्ले करके उसे हम सुनते भी रहें। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आप ये सेटिंग करके कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपनी YouTube वीडियोस को यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर प्ले करने के लिए, लाइक ऑडियो की तरह प्ले करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले YouTube वीडियोस को प्ले करके दिखा देते, जैसे कि मान लो ये ट्रेलर है, इस ट्रेलर को पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर ये प्ले हो जाता है और इसे मैं लॉक स्क्रीन पर कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा वीडियो का, तो एक इस तरह से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि वीडियो अभी प्ले हो रहा था, चल रहा था बैकग्राउंड में, तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हो इसको। इसको करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग अपने मोबाइल फ़ोन में करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने अगर आपका Xiaomi का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो टूल बॉक्स देखने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ये दोनों सेटिंग है, इसे इनेबल फर्स्ट वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल कर लेना है अगर डिसेबल है, और सेकंड है वीडियो टूल बॉक्स शॉर्टकट, इसको भी इनेबल कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्टकट लोकेशन को यहाँ पर लेफ्ट राइट कर सकते हो, जो कि जिसके थ्रू आप यहाँ पर वीडियो को लॉक स्क्रीन पर प्ले करोगे। इसको राइट में रखना चाहते हो या लेफ्ट में, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको आना, मैनेज वीडियो ऐप्स पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसे आप बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करके रखा, तो आपको भी यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और यूट्यूब पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जैसे मान लो कोई भी हो गया वीडियो, इस पर क्लिक कर देना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक फ्लोटिंग बटन शो होगा, उस बटन को पर क्लिक करके यहाँ पर इसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में, अभी मैंने किया था सिलेक्ट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर साउंड विद स्क्रीन, इस पर जैसे क्लिक करोगे आपकी जो साउंड होगी वो लॉक स्क्रीन पर प्ले होने लगेगा, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सेकंड तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोस को। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर टाइप करना है youtube.com जैसे सर्च करोगे, इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फ़ोन में रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट सपोर्ट करता तो इस तरह से ओपन होता तो सही है, नहीं तो आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे में सपोर्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे कि मान लो कोई भी वीडियोज़ मैं उठा लेता हूँ, ये वाली मैं वीडियो उठा लेता हूँ, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको नीचे स्लाइड कर देना, नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पर नीचे प्ले होने लगेगा, तो इसे बीच से बैक कर देना। अभी देख सकते हो यहाँ पर बीच से मैंने बैक कर दिया लेकिन वीडियो पूरा कट गया था। अगर आपके इसी तरह से कट रहा है तो हो सकता है आपने कुछ सेटिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप कर दिया होगा। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन पर टाइप करके रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर जाना है। इसके अलावा यहाँ पर शो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको आ जाना है, आप क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पर इस वीडियो पर मैं जाता हूँ, कहाँ गई वीडियो। इसके अलावा यहाँ पर इसे मैं बैकग्राउंड में प्ले लॉक स्क्रीन पर प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ए वाली वीडियो मान लो जैसे मैंने ओपन किया, इसके अलावा इसे मैं प्ले करूँगा, यहाँ से मैंने इसको प्ले कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर नीचे स्लाइड कर देना है, नीचे स्लाइड किया, इसके बाद यहाँ पर बीच से बैक कर दिया। अब यहाँ पर नीचे एक देख सकते हो ये शो हो रहा है ऑडियो की तरह, जिस तरह से ऑडियो सॉन्ग ओपन करते हैं, यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा इनेबल, ये देखते हो अभी ये प्ले हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं लॉक स्क्रीन कर देता हूँ, स्क्रीन को लॉक कर दिया। इसके अलावा अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसे खोलता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो अभी ये प्ले हो रहा था, अभी ये चल ही रहा था। इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पर भी वीडियो सॉन्ग्स अगर प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा, क्रोम ब्राउज़र से अगर आप प्ले करते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर रहेगा।